हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कीर्ति तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। हाँ, चलो। पता नहीं क्या चीज थी वो जिसने हमारे ये हाल कर दिया है। बहुत डर लग रहा है हमें। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए यार? हम यहीं तो नहीं मर जाएंगे ना? नहीं नहीं कीर्ति, हम लोग नहीं मरेंगे। देखना, जल्दी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हम लोग ढूंढ लेंगे। उनको बहुत पीछे छोड़ के आए हम। अमित, तुमने आवाज सुनी? मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। तुम डरो मत, एक काम करो, तुम यही रुको, मैं आगे रास्ता देख के आता हूँ। अमित नहीं, अमित जल्दी आना। अमित बचाओ, अमित बचाओ, ये तो अमित की आवाज थी ना, तुम ठीक हो ना? अमित बचाओ, अमित उठो बेटा, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा बेटा, उठो। जगाओ अपनी लाडली को और कह दो उसे कि उसका कॉलेज उसके पापा का घर नहीं है। हाँ हाँ बोल दूंगी। हाँ आप परेशान मत होइए। ये कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में होगी। बेटा यहाँ भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं, कहाँ चली गई लड़की? ये क्या है? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलो भी। अब बोलने को क्या बाकी रह गया? तुम्हारी बेटी भाग गई उस मोहल्ले के मवाली के साथ। देखिए ये तो लगभग 10 घंटे हो गए उनको गए हुए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। ये देखिए, ये ट्रैकिंग का रास्ता इस नक्शे पर पूरा बना हुआ है। देखिए वैसे 6 के 6 जो है ना प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं, कहीं भटक नहीं सकते, फिर भी पता नहीं कहाँ रह गए सबके सब, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा। मिस्टर मयंक प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों की टीम ने तो पहले भी लोगों की मदद की है ऐसे सर्च ऑपरेशन करके, अब सब आप पर है। कुछ ही देर में इन ट्रैकर्स के घर वाले पहुँचते ही होंगे, हम लोगों के पास कोई तो जवाब होना चाहिए इन्हें देने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे पहले हम 11 ट्रैकिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुके, मगर ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं। स्नेहखिल, काफी सुना है सिल के बारे में, बहुत कम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ऐसा क्यों, कोई खतरा है यहाँ? अरे नहीं, आप लोगों ने उन लोगों से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? वहाँ जाकर के किसी का भी संपर्क नहीं रहता, भूल जाइए आप उन लोगों को, मैं इनको ये बात बहुत देर से समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा रोज का काम है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ओके लेट्स गो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।
अखिलेश सिंह, हमें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक हम लोग करते आए हैं। इस खोजी अभियान की शुरुआत हमें उत्तर दक्षिण दिशा से करते हुए पूरा जंगल छान मारना है। मोनिका, आने वाले किसी भी तरह के खतरे पर नजर रखोगी, मैं और ईशान उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके? पर मयंक, हम स्नेक हिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, और वैसे भी इस पहाड़ी इलाके में लोग कम ही आते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ और तैयारियों के साथ यहाँ आना चाहिए था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मोनिका, वैसे भी हम लोग ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, उससे वैसे ही डील करेंगे। चलो। ये आवाज कैसी? हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्या है? आप कौन है? आई मीन, इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हैं आप? आपकी जान को खतरा है यहाँ पे। मैं गिलोरी हूँ, यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ मरने क्यों आ गए? क्या मरने क्यों आ गए, मतलब? देखिए, हम कुछ लोगों की तलाश में यहाँ आए। बात कल शाम की है, दो लड़के और तीन लड़कियां यहाँ आई थी, क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, जाते हुए देखा था, आते हुए नहीं देखा। अब वो लोग उसे कभी वापस नहीं आने देंगे। कहना क्या चाहती हो तुम, और कौन लोग उन्हें वापस नहीं आने देंगे? धीरे बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो यहाँ आ जाएंगे। कौन, मतलब कौन आ जाएगा? जाके खुद पता कर लो, समझे? ये आवाज क्या थी मयंक? कुछ नहीं, हमने से बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए। लेट्स गो। आ गया स्नेक हिल। और यहाँ तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अभी आगे चलोगे तब पता चलेगा। लिसन गाइस, अब यहाँ से हम लोग को अलग अलग दिशा में जाना होगा। मैं उत्तर की दिशा में जाता हूँ, हिमोनिका तुम साउथ जाओ, और ईशान तुम ईस्ट। वायरलेस और मोबाइल सब ऑन है ना? किसी तरह का जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या है? तो क्या हुआ यहाँ पे? कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीजें तो काफी पुरानी लगती हैं, लेकिन ये जिनका है वो लोग कहाँ हैं? हवा तो उन्हें खा नहीं सकती ना। इसी बात का टेंशन है, सामान यहाँ है पर लोग गए। मेरे ख्याल से हमें वापस चले जाना चाहिए। ये दहाड़, कौन है यहाँ? क्या हो रहा है ये? कौन है? कोई जानवर है ये? मयंक का फोन पुका। हेलो मयंक। हेलो माँ। मयंक बेटा। माँ मुझे बचा ले। माँ माँ वो मुझे मार देगा। माँ मयंक तुम ठीक तो हो ना बेटा? मयंक माँ कुछ करो, माँ मुझे मार देगा। माँ
मयंक बेटा, मैंने तुम्हें कहा था तुम मत जाओ बेटा। मयंक, ये आवाज कैसे आ रही है? ये कैंप आप लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी आप लोग ही कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं। देखिए मैम, हमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, इसमें हमारी क्या गलती है बताइए। देखिए वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने वहाँ सर्च टीम भी भेजी है उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। देखिए सर, ये रहा ये कैंप और ये दोनों उसके ऑर्गेनाइजर। बोलो मेरे मयंक को क्या हुआ है, बोलो। मैम आप शांत हो जाइए, हमें बात करने दीजिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इसे आपके इस कैंप के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। हर का यही बात हो रही है कि आपके कैंप से सभी ट्रैकर्स गायब हो रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। और हम लोग उन ट्रैकर्स और जो उन्हें ढूंढने गए, उन्हें ढूंढने के लिए हम लोग आए। अरे आप तो बोलो क्या है उस पहाड़ पर, क्या हुआ है, मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? अरे मेरी बेटी वापिस आएगी भी नहीं, कुछ बोलो। हम तो हमारी बेटी का फोन नंबर चेक करते करते यहाँ तक आ गए। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। देखिए आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए, हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, मगर हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तो मिस्टर टोनी। जी सर। सिमरन। जी सर। क्या गड़बड़? क्या सर? कोई गड़बड़ नहीं है, हमने तो बस एक ट्रेकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था इस स्नेक हिल पर, लेकिन ना ही वो लोग वापस आए ना वो रेस्क्यू टीम जो उन्हें वहाँ ढूंढने गई थी। अरे मैंने पहले ही कहा था। तुम कौन हो? जी मैं इनका बावर्ची हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि जो भी उस पहाड़ पर जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता है? लेकिन ये शहरी लोग मानते ही नहीं है, पहाड़ पे चढ़ाई किए जा रहे हैं। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वहाँ जंगली जानवर है। नहीं मैडम, वहाँ पर जंगली जानवर आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो कहा था कि हाँ हाँ। इनका कहना है कि जब ये अपने बेटे से बात कर रही थी फोन पे तो पीछे किसी जंगली जानवर के घुर्राने की आवाज सुनी थी। जंगली जानवर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप दोनों आप चलिए हमारे साथ। जी सर। सर हमें तो प्रॉब्लम है? नहीं 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 सर, चलिए आइए। सर यही जगह है वो जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, मुझे भी यहाँ आए हुए एक साल से ज्यादा हो गया। अरे ट्रैकिंग यहाँ इतने सालों बाद ऑर्गेनाइज हुआ है और हम लोग तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स भी नहीं, पता नहीं इतने सालों में क्या कुछ बदल गया होगा। यहाँ ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ से हम लोग दो टीम में बट कर उन्हें ढूंढेंगे। ठीक है जी सर। हाँ सर, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग सब लोग ना साथ में रहते सर, क्योंकि साथ में रहेंगे ना तो कोई भी खतरे का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे, अलग अलग नहीं बढ़ते सर। तुम कहना क्या चाहते हो, अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो खतरे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं 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 सर, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या? अरे मयंक और उसकी टीम यहाँ पर साथ में आई थी और फिर अलग अलग हो गई थी तलाशी करने के लिए और गायब हो गई सर। घबरा मत, हम लोग गायब नहीं होंगे। तो अभी यहाँ से मैं, सिमरन, निखिल और डॉक्टर तारिका साथ में जाएंगे और सचिन तुम, डॉक्टर सालुंके, पंकज, टोनी और जयवंत साथ में। सर सर मुझे आपकी टीम में रहना सर, आपकी टीम में। जाओ जाओ, तुम दया के साथ जाओ, घबराने वाले लोग मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ठीक है पंकज, तुम हमारे साथ रहोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे तय किया था दो टीम में हम लोग जाएंगे और आगे जाने के बाद अगर किसी को कुछ पता चलता है या कुछ दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना फोन से या फिर हवा में फायर करके। ठीक है? लेकिन यहाँ पे फोन लगेगा? फोन नेटवर्क तो है, लगना तो चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? एक बात और देखो, जंगल वाकई खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी किसी को बिना बताए यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। सब एक दूसरे के टच में रहेंगे। ठीक है? सुनसान जगह है, अजनबी जगह है, पता नहीं कितना खतरा हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता उनके साथ। सर खतरा तो सबके लिए बराबर ही होता है ना। पर मेरी चिंता मत करो, मैं अपना एग्जाम करके आया हूँ। सर नहीं नहीं, मतलब सबका इंतजाम करके आया हूँ। सर अगर कोई जीव जंतु मुझे आके उठा ले सर तो मुझे प्लीज बचा लीजिएगा सर, क्योंकि ये जंगल के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है सर। चिंता मत करो, अगर तुम्हें उठा के ले भी गया ना हम वापस ले आएंगे, है ना? घबराओ नहीं, चलो
लेट्स गो। यहां पर कुछ हुआ है, फिर आसपास चेक करो। ये देखिए सालों के साहब, यहां हड्डियां पड़ी हुई, कौन हो सकते हैं ये लोग और किसने किया होगा इनका ये हाल? ये क्या? इंसान की हड्डियां हैं, खोपड़ी है, पता नहीं है एक इंसान की है कि ज्यादा है। सर ये बॉक्स देखिए, लगता है कई साल पुराना है। लगता तो है। अरे देखो इधर, ये लगता है कोई कैंपिंग टेंट है यार। सर दुखाने का बिल है, सन 2009 का, मतलब काफी समय से यहाँ पे कुछ हो रहा है। सर यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां हैं, कैंपिंग टेंट है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग मारे गए हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे? सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो आगे चल के देखते हैं। सर मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। सर वापस चलते ना सर, सर प्लीज। घबराओ मत, मैं हूँ ना, मतलब दया सर है ना, ये हाई हमें किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो। बड़ी अजीब बात नहीं है, हमें लोगों के स्केलेटन और उनका बिखरा हुआ सामान मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पता नहीं सब लोग कहाँ गायब हो गए। हमें आगे चलकर देखना होगा। एक मिनट, एक मिनट, लगता है कोई तो है जो इन सब लोगों को गायब कर रहा है, और वो सामने क्यों नहीं आ रहा? सर हो सकता है वो हम पे हमला करने का इंतजार कर रहा हो। हो सकता है निखिल, कोई तो है, कोई आवाज नहीं करेगा। हिलाने, जो कुछ भी कर रहे हो उसे रोक दो, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, हिलना नहीं। पिछड़ो, पिछड़ो। सर तो बेस कैंप में जो औरत थी सरिता, उसकी बेटी कीर्ति है और मर चुकी है। मर चुकी? बाकी के लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है यहाँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करें? जी वो मैं, ये तुमने इसे मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं, इसने नहीं मारा होगा, किसी जानवर का काम लगता है, ये अपने नाखूनों से अंदर तक का मांस नोच लिया है जिस वजह से इसकी मौत हुई है। जानवर? और तुम्हारी ये हालत कैसे? उन लोगों ने किसने? आवाज कैसे? आवाज सुन रहे हो सचिन? हाँ सर, किसी जानवर के चीखने की आवाज लग रही है। जानवर की तो है बॉस, लेकिन ये एक से ज्यादा जानवर है बॉस। खोए हुए लोग हमें मिले ना मिले, लेकिन ये जानवर हमारा स्वागत करने को तैयार है। बी रेडी, हमें अपनी दूसरी टीम के पास पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द। सर बिल्कुल, चलो।
जो कुछ भी हो रहा है वो उस भयंकर आवाज वाली जानवर की वजह से ही हो रहा है। पर से छुपने की भी कोई जगह नहीं। मेरा मतलब वो जानवर कहाँ पे छुपा है सर, हमें पता ही नहीं ना। मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहीं कीर्ति की तरह उस जानवर ने और लोगों को भी। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सुनो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स है। ये रास्ता तो छान लिया हमने, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अभी तक ये पता नहीं चला कि वो ट्रेकर्स गए कहाँ, और उस जंगली जानवर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लोग गायब हुए तो हुए कहाँ, अभी तक सिर्फ एक लाश मिली है। न जाने तो बाकी के लोग कहाँ गए। आगे देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, चलो। मयंक, क्या सर, मैंने अभी मयंक को वहां भागते हुए देखा। कहाँ? वो वहां। अरे सिमरन, सिमरन रुक जाओ, आगे आगे मत जाना, खतरा हो सकता है। सिमरन रुक जाओ। सर, बड़ी सी चीज थी जो आंखों के सामने से उजल हो गई। खून आया, किसी के नोचने के निशान है। हाँ क्या वो ये सिमरन कहाँ गए? सिमरन और टोनी दोनों हमारे साथ आए थे, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि सिमरन को कुछ हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। सर, शायद वो जानवर है सर, घात लगाए बैठा है। सचिन, एक और आवाज। हाँ सर, और ये आवाज पिछली वाली आवाज से बिल्कुल अलग है। चक्कर क्या है यार? देखते हैं। इस तरफ। अरे सचिन, जानवर की आवाज है, यहाँ पे हुआ क्या? वो एक मिनट, ये क्या हुआ था यार? सर वो सिमरन, उसने अचानक मयंक को देख लिया और उसके पीछे भागने लगी। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, अब एक तेज रफ्तार वाली चीज ने मुझ पर हमला कर दिया और तब से हम इस सिमरन को ढूंढ रहे हैं। सर अब हम क्या करेंगे सर? ऐसा जानवर जो हमें देख सकता है लेकिन लेकिन खुद नहीं दिखता हमें, सर कैसे निपटेंगे हम? डोंट फियर, सालुके इज हियर। मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार होकर के आता हूँ भाई। ये देखो, पेट्रोजन गैस। इससे क्या होगा सर? इसी से होगा निखिल, जो कुछ भी होगा। देखो वो जानवर दिखाई नहीं दे रहा है तो ट्रैंक्विलाइजर शॉट किसे मारोगे? इस पेट्रोजन गैस का स्प्रे करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए निढाल हो जाएगा, जब वो निढाल हो जाएगा हम उसे ट्रैंक्विलाइजर शॉट मार देंगे। क्या बात है सर, आप तो ग्रेट हो, आपने हमारी जान बचा ली। और तुम मुझे छोड़ करके दया की टीम में जा रहे थे, है ना? अब आगे बढ़े, इससे पहले कि वो कुकार जानवर हमें ढूंढे हमें उसे ढूंढना होगा। बिल्कुल, चलो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर 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 इधर। अरे पेड़ की जड़ें हैं, सांप नहीं है। अरे यार, ये पेड़ की जड़ें भी सर सांप की तरह है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से कब वापस जाएंगे सर? सर लगता है शौर्य पुरस्कार लेने के बाद ही जाएंगे। रेडी सर। ट्रैंक्विलाइजर? लेकिन अभी तक तो हमने एक भी चलाया नहीं, फिर यहां पे कैसे आ सकता है? इसका मतलब यहां पे कोई और भी है, मयंक और उसकी टीम। नहीं नहीं बॉस, ये मयंक नहीं हो सकता। एन स्पेक्स GH8,
ये बहुत रेयर ट्रैंकुलाइजर है, आसानी से नहीं मिल सकता है, बहुत खास है ये, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। शेवंती, 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 तो शेवंती कहाँ रह गई? शेवंती, जल्दी ढूंढो उसे। शेवंती, सर, अपने मोबाइल से ये फोटो भेजिए सालूम के सामने। एंस्पेक्स JH8, ये क्या बला है? ये डॉक्टर प्रकाश कहाँ तक पहुँचे यार? वैसे भी इस केस में हम इतना समय कमा चुके हैं, लगता है सालूम के साहब के दोस्त ये डॉक्टर प्रकाश है ना, बिल्कुल उनके ही तरह ही है। टेंशन नहीं है सर, हमने उन्हें गोवा के फ्लाइट से उतार लिया है, वो बस आते ही होंगे। कौन है भाई? कौन है? लगता है डिस्को का रास्ता भूल गए। ये CID ब्यूरो है, CID ब्यूरो। और ये क्या, कान पे हेडफोन लगा रखा है? मेरा हैंडसम फेस और मेरे डांस करने का पेस देखकर समझ जाओ मैन कि हम एयरपोर्ट से सीधा इधर चला रहा है। फिर जिसके आने से आ जाए उजाला, वो डॉक्टर प्रकाश तुम्हारे बीच आला। यो, डॉक्टर प्रकाश आप हैं? भाई देखो, गोवा के लिए टेक ऑफ किया, सीधा CID ऑफिस में लैंड किया। गोवा तो नहीं जा पाया लेकिन इधर सीधा चला आया। यो यो। डॉक्टर प्रकाश, आपकी गोवा की ट्रिप खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सालूम के साहब यहाँ है नहीं और बहुत ही इमरजेंसी आ गई, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। वंडरफुल, तो ऑफिसर बोलो क्या काम है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। ये देखिए क्या है, ये किस काम आता है। Hey, one minute, please. Thank you. Oh, Inspects JH8. Oh, वो भी इंक में लिखा है, प्रिंट नहीं किया है। ये तुम्हें किधर मिला? ये स्नेक हिल के जंगलों में, वहां पे इसका इस्तेमाल हुआ था। What? One minute, लेकिन इस ट्रैंक्विलाइजर का उस जंगल में क्या काम? ये ड्रग तो वो ट्रैंक्विलाइजर है जो खतरनाक जानवरों को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। खतरनाक जानवर मतलब किस तरह के जानवर? तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? ये ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है ऑफिसर जो नॉर्मल जानवरों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ट्रैंक्विलाइजर किसी खतरनाक जानवर पे ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई दुर्घटना ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। ओके ओके, मैं समझाता हूँ। फर्ज करो कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी बहुत खतरनाक जानवर पे, और अचानक एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर वो वायलेंट हो गया तो नुकसान हो सकता है ना, तो इन दैट कंटिंजेंसी ये ट्रैंक्विलाइजर उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो टेम्पररीली शांत हो जाए। और हाँ, ये ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ उसी लैब में बनाना पड़ता है, ये कोई दूसरी लैब में नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये किस तरीके के लैब में बनाया जाता है? अभिजीत, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और सिंथेसाइज्ड ड्रग है, वो किसी भी लैब में नहीं बनता। इनफैक्ट हिंदुस्तान में बहुत ही ऐसी गिनी चुनी लैब्स हैं जहां पे ये ट्रैंक्विलाइजर बन सकता है। इसका मतलब कोई है जो चोरी छिपे इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो कोई भी है उसका एक्सेस देश की किसी बड़ी लैब से है। पता करो ऐसी कितनी लैब है यहाँ पे। जयंती, 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 इस रास्ते को फिर से ढूंढना होगा। आखिर जयंती गायब कहाँ हो गई और कैसे? सर आप लोग समझ नहीं रहे, पहले सिमरन गायब हुई, अब आपकी एक ऑफिसर गायब होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला सर। बस या तो जयंती रास्ता भटक गई है या फिर वो जानवर उसे। जानवर? ये जूता तो जयवंती का है, खून लगा हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, ये घड़ी भी जयवंती की? ये घंटा? सर वहां घड़ी और जूता में, और ये खड्डा कहीं सर वो पंकज, जब तक वो मिलना चाहे
हर इंसान जिंदा है, समझे? उसे ढूंढना होगा। दया, इस तरीके का गड्ढा तो जनरली जानवरों को कैच करने के लिए बनाया जाता है यार। जानवरों को? हाँ? जंगली जानवरों को? हाँ, हाँ। लेकिन ये गड्ढा किसने खोदा, किसने होगा? जिस तरह से इसे नाप तोल के खोदा गया है, किसी इंसान का ही काम है। सर, गड्ढा यहाँ पे और जयवंती की चीजें भी आसपास। सर, लगता है जो कुछ भी हुआ है यहाँ आसपास ही हुआ है। सर, फिर तो वो खूंखार जानवर उसे निकाल कर ले गया होगा। सर, तू यार सर्प योग में पैदा हुआ है क्या भाई? हमेशा जहर उगलता है, कभी शुभ भी बोल लिया कर भैया। अगर ये हम मान भी ले कि जयवंती इस खड्डे में गिरी थी तो उसके पास तो गन थी और उसने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो जरूर की होगी। लेकिन दया, अगर गन चलाई होती तो गोली की आवाज सुनाई देती हमें भी। हाँ सर, ये जयवंती हमारे बेहतरीन ऑफिसर्स में से है, इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है वो। जयवंती! तारिका, आ जाओ। जयवंती, जयवंती, तुम ठीक हो ना? जयवंती, हम लोग हैं। पंडित, हाँ सर, ठीक हो तुम? आ जाओ, संभाल के। आराम से। आजा, बिठाओ से यहाँ पे। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। पानी पियो। सॉरी सर, मैं पीछे रह गई। सर, वो जानवर कहाँ गया? तुमने देखा उस जानवर को? हाँ, लेकिन नहीं भी। तुमने उसे देखा भी और नहीं भी देखा? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक मुझे कुछ आवाज आई। सर, यही देखने के लिए मैं आगे बढ़ी और मैं गड्ढे में गिर गई। उसके बाद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अचानक वो जानवर सामने आ गया। वो बहुत ही अजीब तरह से घुरा रहा था। मैंने अपनी गन निकाली, उस पर निशाना लगाया। इससे पहले कि मैं गोली चलाती, मैं बेहोश हो गई। और सर, फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने किसी तरह खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन सर, वो जानवर बहुत ही अजीब था। हाँ, अजीब तो था, पता नहीं क्या चीज है वो। दया, आप जोखिम नहीं ले सकते। अब इस पेट्रोजन का वक्त आ गया है। जल्दी सर, चलो संभाल के, चलो निकले। तो ये रिपोर्ट डॉक्टर प्रकाश ने बनाई है? जी हाँ। ओके, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हमारी जानकारी के हिसाब से ये एक सिंथेसाइज ड्रग, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे किसी खास एक्सपेरिमेंट के लिए हो रहा है। और वो ड्रग इस लैब के बदले एक बीहड़ जंगल में पाया गया है। तो जाहिर सी बात है वो यही इस लैब से बाहर गया है। हैरानी की बात है सर, ये नामुमकिन है। ये ड्रग लैब से बाहर कैसे जा सकता है? सर, दरअसल हमारी लैब में काफी कड़ी सुरक्षा होती है, और इसी वजह से यहाँ से कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन गया तो है ना? कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है इस ड्रग का? इस ड्रग पे कौन कौन काम कर रहा है? इसका पता चल सकता है सर, एक मिनट। हाँ सर, इस ड्रग पे डॉक्टर जैन और डॉक्टर मीनाक्षी, ये दोनों काम कर रहे हैं। दोनों से बात कर सकते हैं? सर, दोनों से? क्यों, कोई परेशानी है? कोई परेशानी तो नहीं है सर, मैं एक मिनट उनसे बात कर लेती हूँ। जी सर, आपको क्या लगता है कि
इन डॉक्टरों से बात करके हम लोग उस खतरनाक जानवर तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल फ्रेडी, अब उस खतरनाक जानवर को हमारे सामने खुलकर आना ही होगा। सर, हाँ, ये धुएं से हम लोग बच जाएंगे ना सर, क्योंकि ये जानवर से मुझे बहुत डर लगता है। अरे डरो मत पंकज, मैंने तुम्हें बताया था ना, देखो पेट्रोजन जो गैस है ना, वो असर करती है कि जो अटैक करने की इंस्टिंक्ट होती है ना, उसे फ्रीज कर देगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लगता है ये बात सिर्फ जानवर की नहीं रही है, कोई इंसान भी शामिल है जो बराबर हम पर नजर रखे हुए हैं। निखिल, जरा माप देना। ये देखो, ये इस जंगल का नक्शा है और हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन सिर्फ कीर्ति की लाश मिली हमें, तो बाकी के सारे लोग कहाँ चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो गुमशुदा लोग हैं वो इस पहाड़ी पे है ही नहीं। ऐसा ही लगता है, हम किसी के बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। सर आपने तो कहा था कि पेट्रोजन गैस के बाद सारे जानवर शांत हो जाएंगे, लेकिन ये तो और भी खोखार हो गए। लगता है इस गैस का असर उन पर नहीं हो रहा। पर सवाल ये कि असर क्यों नहीं हो रहा है? ये गैस तो हर जानवर पर असर करती है। निखिल डरना नहीं। हम इसे मार नहीं सकते। सर एक मिनट, ट्रैंकुलाइजर मारते। सर इसका तो असर ही नहीं हो रहा उन पर। असर क्यों नहीं हो रहा? सर सारिका, आप लोग यहीं रुकिए। निखिल तुम ठीक हो? खजन मैं भी ठीक हूँ। ये लोग बेहोश कैसे हो गए? अभिजीत, अभिजीत आने में देर तो नहीं हो गई यार? नहीं यार, एकदम सही टाइम पे आए हो। लेकिन तुमने इन लोगों को मारा कैसे? सिर्फ एक ही चीज इन्हें रोक सकती थी, एंस्पेक्स। मैं मेट्रोक्स लेबोरेटरी गया था, वहां पे मुझे क्या मिला तुम यकीन नहीं करोगे। बॉस अब समझ में आया वो पेट्रोजन गैस इन पर असर क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ जानवरों पर असर करती है, ये तो आदमी है। अब बाल बाल बढ़ गए, जंगलों में रहने लग गए तो अपने आप को आदमखोर समझने लग गए, लेकिन है तो आदमी। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है और क्यों कोई करेगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बचाओ, 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 बचाओ! हमें यहाँ से निकलना चाहिए सर। सर उन जैसे और भी हैं यहाँ, सब इसी तरह आ रहे हैं, हम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। सर कुछ कीजिए ना, कुछ कर क्यों नहीं रहे? सर आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कीजिए, पीछे हट, पीछे हट। ये
बैग तुम्हारे पास कहां से है? तुम्हें इनको कंट्रोल करने का तरीका आता है? मगर ये तो डॉक्टर हैं, मैट्रोक्स लैब में। क्यों सिमरन जी, ठीक कह रहा हूं ना? ओ सॉरी, डॉक्टर मीनाक्षी। लैब में एक बहुत ही खुफिया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं लोगों पे, बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। क्यों डॉक्टर मीनाक्षी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? इसीलिए जब तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं निकला। अरे कहां खिसक रही हो, एक एक्सपेरिमेंट हमारा भी देख लो। एक डॉक्टर होके इतना घिनौना काम किया तुमने। मयंक और उसकी टीम कहां गए सब? हाँ बोलो, क्योंकि वो मयंक नहीं था जिसे देखकर तुम भागी थी। चकरा गए ना सबके सब, मेरी इस महान खोज ने हिलाकर रख दिया ना पूरी सीआईडी टीम को। यही तो मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी। सदियां लग गई जानवर को इंसान बनते हुए, और मैंने यूं मिनटों में उन्हें फिर से जानवर बना दिया। मासूम लोगों को जंगली जानवर बना दिया, ये तुम्हारी महान खोज है? हाँ महान खोज ही है, मुझसे पहले किसी ने करके दिखाया ऐसा? मैं खोज करनी थी तो अपने लैब में कर लेती, यहाँ आकर बेगुना लोगों को अपना शिकार क्यों बना दिया? मुझे इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे चोरी छिपे किया। 3 साल से मैं लोगों को इन पहाड़ी रास्तों पर घुमाती थी, उन्हें बेहोश करके उठवाती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी, और वो अपने आप को जानवर समझने लगते थे। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी और उन्हें लोगों पर छोड़ती थी और रिजल्ट देखती थी। स्नेक हिल मेरी खोज की 5वीं जगह है। मयंक और उसकी टीम लैब पर पहुंच चुकी है, उन्हें भी मैं ऐसा बनाऊंगी और तुम सबको भी। ज्ञान विज्ञान और खोज इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें बर्बाद करने के लिए। अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी उल जुलूल खोज के लिए न जाने कितनी मासूम जिंदगियों के साथ खेला तुमने, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जाओ जेल और सड़ो वहां पे जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।